हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तहजीब। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो यार इधर ना हमारे गुजरांवाला में आज तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए हैं सूरज निकला ही नहीं, इतनी सर्दी पड़ रही है इधर तो। हुए 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 हुए, ये चेक करो, ऐसे ही धुंध पड़ी है 3 दिनों से। ये देखो, ये तो अभी तो कम हुई है थोड़ी, अभी थोड़ी शाम हो गई ना तो फिर और ज़्यादा हो जाएगी। ये अभी तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और फोग देखो, ऐसे जैसे शाम हो गई है, हर चीज़ बंद, ऐसे जमी पड़ी है फोग। तो सुबह उठ के बाहर देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ, कोरा कोरा जम रहा है इधर। ये देखो, हर चीज़ जमी पड़ी है इधर तो। हुई हुई हुई। लगता है बर्फ पड़ने वाली है इधर तो। यार ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है इधर, इसके ऊपर ये सारा, ये जो शबनम पड़ी है सारी, बहुत ज्यादा पड़ रही है। रात को तो मैं इधर बाहर गया था तो दरख्त से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे बारिश नहीं हो रही, टिप 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 उस तरह। और यार मैंने एक चीज़ दिखाई नहीं है आपको, ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी ब्रोकली निकल आई है, ये गोभी, इंग्लिश गोभी सारी तकरीबन निकल आई है माशाल्लाह। ये देखो, वो देखो, लो जी, ये तो वैसे ही बाद में लगाए थे ना, ये तो वैसे बीज लगाए थे इधर इधर, वो लगाई थी पनीरी, वो तो आ गई है सारी। शलजम भी लग गए हैं, शलजम खाए किसी ने भी नहीं अभी तक, कोई आ ही नहीं रहा इधर। आज तीसरा चौथा दिन है, कोई आ ही नहीं रहा इस साइड पे। ठंडी बड़ी है यार, किसी ने आना क्या इधर। ये ऐसे घास बिल्कुल गीला हुआ है, जैसे पानी नहीं लगाया इसको। ये देखना, मैं अभी हाथ लगा के दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल गीला, हर चीज़ ही ऐसी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं छत पे गया था, छत ऐसे गीली हुई थी जैसे बारिश ही हुई, सही प्रॉपर बारिश, इतना पानी। ये देख, गैराज में भी मैं दिखाता हूँ, इधर भी ऐसे है, देखो ऐसे पानी है जैसे सही प्रॉपर बारिश हुई है। और इसका हाल देखो, ये अभी तो वो वाला घर नज़र आ रहा है ना, रात को ये सामने वाला नहीं नज़र आता, इतनी धुंध हो जाती है इधर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाजी वो, ये कितना प्यारा निकला फूल, अब अंदर भी निकला एक वाइट कलर का, वो भी बड़ा प्यारा निकला। ऐसी एक बात है, जिस दिन की फॉग है ना उस दिन के फूल बड़े प्यारे निकल रहे हैं, जो थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। ओ यार मैंने आपको एक चीज़ तो दिखाई नहीं है, देखो ये देखो, इसके नीचे हैं सब्जियां, मतलब कि इसके अंदर है वो प्याज, और मतलब जो होती है ना गर्मियों वाली सब्जियां वो हैं, टमाटर हैं इसके नीचे, प्याज और साथ में बैंगन, इस तरह की एक दो और चीज़ें हैं। तो इधर से हमने वो पालक और साग उतार के खा खू लिया है, वो ख़त्म हो गया था, दोबारा करते हैं कोशिश कि इधर दोबारा लगाएँ कुछ ऐसा, लेकिन मौसम ही नहीं साथ दे रहा। धूप निकले थोड़ी सी, इसको कोई हवा लगे, थोड़ी मिट्टी नरम हो तो फिर इस पे कुछ लगेगा। जब तक अब धूप नहीं लगनी तब तक इस पे ये अब ऐसे ही है फ़िलहाल तो। या देखते हैं इसके ऊपर ऐसे ही कुछ करते हैं कि कुछ लग जाए। उधर से हमने मूलियाँ भी उतार के खा खू ली हैं। और ये देखो माशाल्लाह, हमारा लहसुन कितना बड़ा हो गया। और ये हमारी सौंफ, सौंफ सौंफ इस पे लगी है कोई थोड़ी सी भी कहीं पे, देखें। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये कैसे लगेगी इस पे, कैसी होती है, मतलब कि एक दरख्त के ऊपर या मतलब कि जो पौधा है इसके ऊपर लगी कैसी लगती है। तो मतलब कि इस पे ये देखो, ये फूल कितने प्यारे बन रहे हैं इसके, छोटे छोटे से।
और यार ये टोकरियों में लगाए हैं हमने न्यू कुछ प्लांट्स लगाए हैं इसमें, कुछ बूटी टाइप वो उधर लगे थे शायद आपने पहले देखे हो किसी व्लॉग में, तो वो ना एवं सिर्फ बूटी थी, जंगली बूटी टाइप थी, वो सिर्फ एवं बढ़ती रहती थी, जीप से कलर करती थी। अब ये लेके आए हैं कोई अच्छी सी, तो अब इस पर कोई फूल शूल लगेंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या निकलता है, अल्लाह करे कोई अच्छी निकले इसमें। ये देखो यार ये वाइट कलर का फूल कितना प्यारा खिला है, पिछले दिनों में पता नहीं क्या हुआ था इसको, इसके अंदर ना कोई दाग टाइप आ जाते थे, जीप से कलर कर जाता था ये, अब बड़ा प्यारा निकला है। ये बिल्कुल ब्लैक वाला है, इस पर अभी कुछ फूल लगेंगे, अब ये निकलेंगे, अब खिलेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता। और ये है रात की रानी, आ रही है खुशबू इस टाइम भी आ रही है, लेकिन बहुत हल्की, रात को बड़े मज़े की आती है इसकी खुशबू। और ये रहा हमारा मनी ट्री, इस पर लगे थे पैसे, ये देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, सही है से छाबी टाइप बन गया, प्लेट पूरी। इधर देखो इसके ऊपर ये पता नहीं क्या है, ये गम टाइप है कुछ निकलता है इसमें से, एक दिन मैं हाथ पे लगा रहा था तो ऐसे सही वो जैसे कोई गम होती है ना उस तरह होता है। और हमारे बछिंदे गए हुए हैं अपनी नानू घर, एक नानू घर गया, एक गया हुआ है मुल्तान घूमने, दोनों छुट्टियाँ हुई हैं, दोनों आवारा हुए हैं। लो जी मेरा नाश्ता हो गया रेडी, मूली वाली रोटी, आय हाय हाय हाय, साथ मक्खन और चाय, आय हाय इस मौसम में। यार सर्दियों में मैंने आज पहली दफ़ा मूली वाली रोटी खाई है, क्या चास आई है उसके साथ मक्खन का, आय हाय हाय चास आ गया। और अब मैंने लगा लिया इधर गेम, सुकून से बैठ के इधर गेम खेलते हैं, बाहर तो भाई ठंड बहुत है, मैं नहीं निकल रहा बाहर, आज सुकून से गेम खेलेंगे कुछ दो तीन घंटे इधर बैठ के। ना दोस्त की कॉल आई है ज़रियाद की, कह रहा है कि बिरयानी खानी है तो जल्दी से आ जाओ, तो मैं बस ऐसे ही बिस्तर से उठा हूँ, तो अब चलते हैं बस उसकी तरफ और चल के तरफ बिरयानी खाते हैं। यार आज तो फोग ही नहीं बन रही, दो तीन दिन पहले रात को ऐसे बिल्कुल जीरो हो जाते थे, मतलब कुछ नहीं था नजर आता आगे, तो आप तो फिर भी नजर आ रहा है ना, आप तो मतलब दूर दूर तक है अभी भी फोग, वो देखो ना है अभी भी, लेकिन पहले तो रात को ऐसे बिल्कुल फोग हो जाती थी। भाई बिरयानी पहले बिरयानी दो, पहले बिरयानी खाओ भाई, भाई पहले बिरयानी, मैं फिर किधरे जाना नहीं, तो मैं जाना भाई, खात नहीं किता कोई नहीं मसला, भाई पहले बिरयानी, पहले बिरयानी आओ के कोई नहीं, भूख लगी है तेनू नहीं पता, बंद हो जाता तो बंद होना ही होना। हाँ तो फिर उधर होना, बह छोड़ पर। हाँ सुन पिछले डेढ़ घंटे तो हंसी नहीं रोक रही। हाँ सुन हस हस नहीं रहन दे रहन दे, हाँ तू भी बड़ा हंस रहा है, हस हस पिछले डेढ़ घंटे तो ए ए ए करी करी जरा करी, हस उची 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 उची, तेरी लाइट जी है तेरी हसी बस है, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला आयो बिरयानी खवाना ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਪਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਜੋਗੀਆ ਤੇਰੀ ਕਮਾਲ ਦੋ ਛੇ ਆ ਜਰਾ ਆ ਛੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਛੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ 6 ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਿਰਫ 6 ਇਹ ਕਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਬੋਲ ਲੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਯਾਲਾ ਪਾ ਖੈਰ उड़ी पांच
शैतानी कितनी किन्ने सी मामा दो बार या पहले दी गल्लां जिहड़ियां तुहानूं हुण याद आई है यार लूडो में हमने इतने को रोंद मारे हैं, इतने को रोंद मारे गेम ही खत्म कर दी। तो खैर यार, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।